दोस्तों, मेड इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कुछ ऐसा टेस्ट करने जा रहा हूँ जो आपने यूट्यूब पे पहली बार देख रहे होंगे। एक वाटर लेवल टेस्ट है। तो यहाँ पे मैंने गंगा वाटर, मिनरल वाटर और टैप वाटर ले लिया है। और ये हमारा एक पैकेज है जिसमें एक TDS मीटर है जिससे हम वाटर लेवल जान सकते हैं। वहाँ स्क्रीन पर आपको एक TVS चार्ट दिख रहा होगा जिसमें TDS वाटर लेवल दिया हुआ है। इससे हम मैच करेंगे अपने टेस्ट को। तो पहले हम इस चीज़ की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो मैंने वेपर को हटा दिया है। दोस्तों, ये पहली बार यूट्यूब पे किसी यूट्यूबर ने ऐसा कुछ किया होगा दोस्तों जो मैं कर रहा हूँ। ऐसे वीडियोस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे। तो यहाँ पे मेरे ये बिल है दोस्तों, जिसे मैंने 180 में ख़रीदा है अमेज़ोन से। और ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है दोस्तों। ये हमारे बहुत ही यूज़फुल आने वाला है, क्योंकि जो ट्रैवलर हैं, जो इधर उधर ट्रैवल करते हैं, अलग अलग जगहें जाते हैं, वहाँ के वाटर जो होता है दोस्तों, उसे हम देख सकते हैं। और कहीं कहीं वाटर के कारण ही हमें बहुत सारी बीमारियों का भी सामना कर जाना पड़ता है। तो ये काफ़ी कमाल का गैजेट है और ये वैल्यू फॉर प्राइस भी लग रहा है मुझे। 180 में काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है दोस्तों ये। तो ये हमारा TDS मीटर है। यहाँ पे हमें एक बड़ी सी LED डिस्प्ले मिल जाती है, होल्ड बटन मिल जाता है, टेम्परेचर बटन मिल जाता है, पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाता है। इससे आप पानी का टेम्परेचर भी देख सकते हैं। और यहाँ ऊपर की साइड में हमें एक बैटरी स्लॉट मिल जाता है दोस्तों, जिसमें हमें बैटरी लगानी होती है। पर ये बैटरी के साथ ही आता है। अगर जब ख़त्म हो जाए तो आप इसे ले सकते हैं किसी वॉच शॉप में। ये बैटरी ईजिली अवेल मिल जाती है। तो अभी हम इसे बंद कर देते हैं। यहाँ पावर ऑन ऑफ बटन है। नीचे के साइड में देखेंगे तो दोस्तों, यहाँ पे दो स्टेनलेस स्टील का रॉड मिल जाता है जिससे वाटर लेवल। तो अभी हम गंगा वाटर का TDS लेवल देखते हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी 143 के आसपास है। ये भी पीने लायक है जैसा चार्ट में आपने देखा था दोस्तों। ये जो गंगा वाटर है, ये डायरेक्टली मैंने गंगा रिवर से लिया है। और मैंने इसे सेडिमेंट के लिए 2 दिनों तक रख दिया था। जो भी जो कचरा होता है वो नीचे जम गया था। तो इसका लेवल है 142, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इसका वाटर लेवल 142। और दोस्तों, ये मिनरल वाटर है, एक टोशिबा का वाटर है। जो दोस्तों, ये टोशिबा का मिनरल वाटर है। तो इसका लेवल 20 के आसपास है। तो इसका वाटर लेवल 20 और 12 के बीच में वेरी कर रहा है, क्योंकि ये मिनरल वाटर है दोस्तों, तो काफ़ी साफ़ होता है ये। 20, 12 या 15 के आसपास ही रहता है मिनरल वाटर का TDS लेवल। और ये टैप वाटर है दोस्तों, ये 176 है। मैं काफ़ी शॉक्ड हूँ दोस्तों कि एक टैप वाटर जो म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन की तरफ से आता है, उसका TDS लेवल 176 है। और गंगा वाटर जो डायरेक्टली मैंने रिवर से लिया है, उसका TDS लेवल 143 आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों, जो घर पे हम पानी इस्तेमाल करते हैं, वो एक रिवर के वाटर से भी ज़्यादा गंदा होता है। देखिए, ये गंगा वाटर का है 142 बता रहा है, वहीं अगर हम टैप वाटर का देखते हैं तो वो 176 होता है। इसका मतलब दोस्तों, जो हमारे यहाँ कॉरपोरेशन का पानी, सप्लाई वाला पानी आता है, वो काफ़ी गंदा होता है दोस्तों। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर कर दे दोस्तों, इसे फैला दे, ताकि हमारे गवर्नमेंट के तक पता चले कि जो कॉरपोरेशन का पानी है वो कितना गंदा आता है दोस्तों। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, और इसे शेयर करें ताकि गवर्नमेंट को पता चल जाए।